मैं चांगलांग जिला का अध्यक्ष हूं भाजपा का, और मेरे साथ खड़े हैं मेरे जिला के उपाध्यक्ष टिंगनोंग सिंपो जी और बरदुमसा के मंडल अध्यक्ष, हमारे सोशल मीडिया के कन्वीनर, और उपस्थित हैं हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी। देखिए, इस किस्म का बांध जो है बहुत सालों के बाद दिख रहे हैं हम लोग, और पहले शायद 10 साल पहले हुआ होगा इस तरह का फ्लड सिचुएशन। और मैं बहुत दुख हूँ कि इतना लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि कोई कैजुअल्टीज नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ NDRF टीम्स और असम राइफल के जवान बहुत मदद कर रहे हैं, और मैं पर्सनली मैं DC साहब के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में हूँ, हमारे 11 असम राइफल्स के कर्नल साहब के साथ भी मैं क्लोज कांटेक्ट में हूँ, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैं कांटेक्ट में हूँ। और जितना हो सके हमारे पार्टी के तरफ से और एज एन इंडिविजुअल हम समाज में साथ में रहते हैं, एक भाईचारा के हिसाब से भी मैं जितना हो सके मैं मदद कर भी रहा हूँ और मदद के लिए खोज भी दे रहा हूँ। देखिए सर, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, DMO को भी इंटीमेट कर दिया हूँ, तो DMO के तरफ से दवाई और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का तरफ से राशन, फिर रिलीफ कैंप अभी तक एग्जैक्टली कहाँ बनेगा वो डिसीजन नहीं हुआ है अभी तक, तो जहाँ पे भी रिलीफ कैंप बनेगा वहाँ पे भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी मोबिलाइज हो जाएंगे, और इसके तहत मेडिकल कैंप्स भी बैठाया जाएगा, और मेरे तरफ से हर कोशिश मैं पूरा करूँगा। सर, लास्ट एक सवाल। देखिए सर, अभी इतना बड़ा एक समस्या का जो सलूशन है मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स और यहाँ के लोकल हमारे लोग जो रहते हैं उनसे भी बातचीत करके, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट की सलाह लेके, फिर हमारे प्रदेश के लीडर्स उनसे भी बात करके ही हम कुछ निर्णय ले सकेंगे। और मेरे तरफ से अंत में एक सब हमारे चांगलांग जिला के जितने लोग हैं, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस ये नहीं सोचना है कि मैं इस दल का हूँ, मैं उस संगठन का हूँ, सब मिल के आके अपना हाथ बटाएं, और जितना हो सके आप एक दूसरा की सहायता करें, क्योंकि जब दुर्घटना घटती है ये किसी की जात नहीं पूछती है, किसी का धर्म नहीं पूछती है, दुर्घटना आती है इसीलिए हम उस चीज़ को दुर्घटना बोलते हैं। तो इसीलिए ऐसा जब सिचुएशन आता है अक्रॉस पार्टी लाइन, मैं यही विनती करता हूँ कि आप सब मिल के आइए, हमारे धर्मपुर और विजयपुर के वासियों को मदद के लिए आप आगे बढ़ें, और जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट भी करें। धन्यवाद।